आज हम उस इंसान की बात करने वाले हैं जिस इंसान ने इस देश के नौजवानों का, महिलाओं का, छात्रों का, मजदूरी करने वाले लोगों का, छोटे दुकानदारों को ठग, उस सुब्रत राय की कहानी दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे घंटों भर परोसी जा रही। उस सुब्रत राय की कहानी को लेकर काफी चर्चाएं भी हो रही, लेकिन सुब्रत राय का काला कारनामा किसी से छुपा नहीं। उनकी ठगी का शिकार बहुत सारे लोग हुए। सुब्रत राय एक छोटा सा व्यापार शुरू कर गोरखपुर से छोटा सा व्यापार शुरू कर तमाम देश की नामी ग्रामीण हस्तियों में शामिल हुए। उस सुब्रत राय का तमाम लोग सम्मान करते थे, लेकिन सुब्रत राय ने जो सहारा समूह था उसमें कुछ ऐसे मजदूरों, गरीबों का, कमजोरों का पैसा हड़प कर एक बड़ा सा साम्राज्य अपना स्थापित किया। लग्जरी लाइफ जिया, हवाई जहाजों में सफर किया, 5-स्टार होटलों में रहे, लग्जरी गाड़ियों में सफर किया। उसके बाद सुब्रत राय की जो गंदी सोच और उनकी मानसिकता थी कहीं ना कहीं आप सबसे भी छिपी नहीं होगी। तमाम सारे लोगों ने अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई का हिस्सा सहारा में जमा किया। ये सोच की सहारा आने वाले समय में जो हम पैसा जमा कर रहे हैं ये पैसा दुगुना तीन गुना होगा जिसे हम अपने सपनों को उड़ान दे सकेंगे। लेकिन तमाम लोगों के सपनों को कुचल के रख दिया सुब्रत राय ने। आज उनका निधन हो गया है, तमाम लोग शोक में हैं। कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो काफी उनको दुख हुआ है, लेकिन सुब्रत राय की जिंदगी में उनकी हिम्मत तक नहीं हुई कि सुब्रत राय से वो सवाल पूछते हैं कि आपने इतने लोगों का पैसा मार के रख दिया है। सुब्रत राय की ऐसी मानसिकता, ऐसी घिनौना कृत्य जनता भूल नहीं सकती। सुब्रत राय ने बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, लेकिन ऐसे साम्राज्य से क्या फायदा कि अंतिम जब सांस वो ले रहे थे तो उनके घर के लोग, उनके बच्चे तक भी मौजूद नहीं थे। वो उनके बच्चे भी हैं जो अन्य देश की नागरिकता ले लिए हैं। और सुब्रत राय का आज अंतिम संस्कार किया गया जहां मानी जानी हस्तियां भी इस अंतिम संस्कार में शामिल हुई। लेकिन सुब्रत राय की ऐसी मानसिकता कहीं ना कहीं जनता को बहुत ही दुख दे गई। 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए लोग इकट्ठा कर करके सहारा समूह में लोगों ने जमा किया। किसी का 2012 में पूरा हो गया है, किसी के 2014 में, किसी के 2020 में। तमाम लोग आंस लगाए के बैठे हुए हैं कि अब सहारा पैसा देगा, लेकिन कितने साल बीत गए लेकिन सहारा ने लोगों को बेसहारा करके छोड़ दिया। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जब पहुंचा, सोचिए जो छोटे दुकानदार हैं, गरीब हैं, महिलाएं, छात्र हैं, उन्होंने अपनी दलील रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में महंगे वकील करने पड़े, उन्होंने अपने दलील रखने के लिए लाखों रुपए के वकील खड़ा करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार नोटिस किया, उसके बाद सुब्रत राय हाजिर नहीं हुए नोटिस के बाद भी। तब सुप्रीम कोर्ट ने उनको गिरफ्तारी का आदेश दिया। उसके बाद जब सुब्रत राय कोर्ट में पहुंचते हैं तो उनके ऊपर जो गरीब मजलूम, जो छोटे दुकानदार, ऐसे जो लोग थे जो अपनी गाड़ी कमाई का हिस्सा सहारा में जमा किए थे, तो सुब्रत राय के मुंह पे स्याही फेंक देते हैं। इतना बड़ा आदमी, इतना रसूख वाला, इतना बड़ा साम्राज्य इकट्ठा कर, आखिर उनके मन में क्या आया कि अंतिम समय में उन्होंने इतना बड़ा धोखा कर दिया, इतना बड़ा ठगी करके चले गए सुब्रत राय। लेकिन जनता उनके ठगी से अभी उभर नहीं पाई। अभी जनता आस लगा कि बैठी है कि अब सुब्रत राय चले गए, क्या उनका पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं, जरूर जो सुब्रत राय ने ठगी किया है उसका पैसा मिलेगा। आप लोग घबराए ना, जल्द सरकार कोई कदम उठाएगी और उम्मीद है कि आपका पैसा अवश्य मिलेगा। तमाम लोगों की सपने कुचल के अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया, अपने सपनों का महल खड़ा कर दिया, लेकिन आज वो सुब्रत राय नहीं रहे। जरूर जनता उनको याद करेगी, लेकिन एक अच्छे लोग, इंसान जो अच्छा करके जाता है उसे अच्छा लोग कहते हैं, जो ठग के जाता है उसे ठग कहते हैं। तो दोस्तों, सुब्रत राय ने जो सहारा में पैसा जमा कराया लोगों का, अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई का, लोगों ने पायल तक बेच के उस सहारा में पैसा लगाया कि उनका भविष्य सुधरेगा, आने वाले समय में उनका भविष्य अंधकार में नहीं जाएगा। लेकिन सहारा ने कितने लोगों को बेसहारा कर दिया, सहारा की उम्मीद में आस लगाए हुए कितने लोग इस दुनिया से चले गए। लेकिन अब सहारा के प्रमुख श्री अब नहीं रहे, अब उनको श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन जो उन्होंने करके गए वो बिल्कुल सही नहीं। उनकी सोच और उनकी मानसिकता, और इतने वो स्वार्थी इंसान थे कि लाखों करोड़ों लोगों की उम्मीदों पे पानी फेर के वो चले गए।
दोस्तों हमारी वीडियो आपको जरूर बुरी लग सकती है, लेकिन सुब्रत राय ने जो किया बिल्कुल सही नहीं किया, और उनकी सच्चाई किसी से छुपी भी नहीं है।